चलिए शुरू करें। कैसे हैं आप सब? बस सर, सब बढ़िया। बस थोड़े से एग्जाम को लेकर परेशान, चिंतित है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए थोड़ा बहुत। बस इतना ज्यादा नहीं कि उससे हमारी पढ़ाई या हमारे पेपर्स अफेक्ट हो। बाकी थोड़ा बहुत तो चलो यार, सबको नॉर्मल है, आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत की बात है। चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं आपके फाउंडेशन के एग्जाम, सितंबर 24 में जो आपकी एग्जाम है उसके लिए जो ICAI ने हमें RTP दी है, उस RTP को, लॉ की, बिजनेस लॉस की RTP को हम आज क्विकली कवर करने वाले हैं। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द क्वेश्चंस। पेपर 2, बिजनेस लॉस। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बरोबर, व्हाट इज लॉ। बहुत सारे लोग तो ये चैप्टर को मतलब नहीं, क्या छोड़ ही देखते ही नहीं। ऐसा मत करो भाई, ये क्वेश्चन मतलब हर पेपर में एक करीबन करीबन 5-6 मार्क्स, 5-6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? चलिए, क्या बोलते हैं वो, व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। कहाँ मिलेगा ये हमें, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 4, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। पहले तो लॉ क्या है, पहले लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ। लॉ क्या है? एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस है एंड ड्यूटीज इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट्स द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ अवर वास्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री। ये तो हमें पता है कि लॉ भाई क्या है, सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज है जो इंपोज की है गवर्नमेंट ने फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस। एंड इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर वास्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री। देखो, जहां पर भी आपको ऐसा डेफिनेशन या ऐसा कोई स्पेसिफिक पूछा गया है ना, ट्राई करिए कि उसको आप एग्जैक्ट लिखें, ठीक है? 100% एकदम वर्ड टू वर्ड शायद नहीं आता, बट जहां पर भी डेफिनेशन या ऐसी कोई स्पेसिफिक चीजें पूछी है ना, वी हैव टू बी यू नो काइंड ऑफ मोर स्पेसिफिक फॉर इट। चलिए, ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट का आंसर। देन नेक्स्ट पार्ट क्या है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ क्या था? प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ क्या था? पहले तो क्या है, सबसे पहले क्या आता है? बिल, बरोबर। वो बिल कहां पास होता है? लोकसभा में। लोकसभा के बाद राज्यसभा में, एंड राज्यसभा के बाद असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एंड फाइनली नोटिफिकेशन, बरोबर। यही सारी स्टेप्स हमें आंसर में लिखनी है। सॉरी, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। अ लॉ इज प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट, इट इज कॉल्ड अ बिल। आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट द लॉ इज पास्ड इन लोकसभा, देयर आफ्टर पास्ड इन राज्यसभा, देन इट हैज टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनली द लॉ विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक, इन द पब्लिकेशन कॉल्ड द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। जिस दिन से वो नोटिफाई हो गया या फिर जो एक डेट दी हुई है उसमें से स्पेसिफिक, उस दिन से वो लॉ क्या हो जाएगा? इफेक्टिव। द लॉ विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिफिकेशन एज द इफेक्टिव डेट। वंस इट इज नोटिफाइड एंड इफेक्टिव, इट इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आते हैं हमारे सबसे मेन, सबसे बड़े, सबसे प्यारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन द फॉलोइंग अग्रीमेंट्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहला, राहुल, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से है वो ये पूछ रहे हैं। राहुल कॉन्ट्रैक्ट्स विद भानु, ओनर ऑफ द फैक्ट्री, फॉर सप्लाई ऑफ 10 टन ऑफ शुगर, बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड फैक्ट्री कैचेस फायर एंड एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये? दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? क्योंकि अब ये इम्पॉसिबल हो गया है परफॉर्म करना, बरोबर। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले यूनिट में अपन ने पढ़ा था, बरोबर, ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सारे वो अलग अलग, तो फॉर्मेशन था ऑन द, देन ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर मिलेगा आपको फर्स्ट यूनिट में, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, एक वैलिडिटी था, एक फॉर्मेशन था एंड एनफोर्सेबिलिटी था। वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस में इट वुड बी कंसिडर्ड एंड इट वुड बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देन 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 दूसरा वाला,
A coolie in uniform picks up the luggage of Rohan to be carried out of railway station without being asked by Rohan. And Rohan allows him to do so. ये कुछ एग्जाम्पल पढ़ा हुआ सा ध्यान में आ रहा है सेम टू सेम आपके मॉड्यूल में ही बरोबर. कुली भैया आए रेलवे स्टेशन पे रोहन भैया के पास में, क्या उनका सामान उठा के ले जाने लग गए. रोहन भैया ने भी उनको रोका नहीं बरोबर. तो क्या वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन गया है क्या? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना है यहां पर? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इट इज मेड बिकॉज ऑफ एक्शंस ऑफ द पार्टीज इंप्लाइडली. ओके. एंड तीसरा ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर. इस केस में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? ये ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी सिचुएशन है जहां पर पार्टीज कुछ चाहती नहीं थी लॉ में, मतलब सॉरी कॉन्ट्रैक्ट में जाना, बट लॉ ने ऐसी सिचुएशन में उनको कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया है. सो इट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बरोबर. चलो एक बार क्विकली पढ़ भी लेते हैं. आंसर 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 आंसर. पहला वाला सेक्शन 2J स्टेट्स एज फॉलोज, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. क्योंकि अब सब्जेक्ट मैटर है उसका डिस्ट्रॉय हो गया है, फायर हो गई है, वहां पर इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, तो इट्स नॉट एनफोर्सेबल, इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. दस अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज द वन विच कैन नॉट बी एनफोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ. सॉरी. सेकेंड वाला वॉज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कम्स इन टू एग्जिस्टेंस बाय implication. Most often the implication is by law or by action. Section 9 of the Indian Contract Act contemplates such implied contracts when it lays down that insofar as proposal or acceptance is made otherwise than in words, promise is said to be implied. Third wale mein, obligation of finder of lost goods to return them to the true owner cannot be said to arise out of a contract even in the remotest sense, as there is neither offer nor acceptance, consent, anything. These are said to be quasi-contracts. उन्होंने आपस में कुछ बोल के ऑफर देके एक्सेप्ट करके ऐसा कुछ वहां पर बनाया स्पेसिफिकली नहीं था, बट quasi-contract वो वहां पर बन गया. quasi-contract क्या है? quasi-contract is not an actual contract, but it resembles a contract. It is created by law under, certain circumstances. The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. Such obligations are known as quasi contracts. Law जो है उस situation में वो contract बनाता है. It is a contract which in which there is no intention on the part of either party to make a contract, but the law imposes contract upon such parties. Okay. Cool. Next question number 3. क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3? अमित अ माइनर वॉज स्टडिंग इन अ कॉलेज. ठीक है. ऑन 1st July 2023 ही टुक अ लोन ऑफ ₹1,00,000 फ्रॉम भावेश फॉर पेमेंट ऑफ हिज कॉलेज फीस. अमित जो है वो एक माइनर था, उसने 1 जुलाई को क्या किया, ₹1,00,000 भावेश से लोन लिया. किस चीज के लिए? पेमेंट ऑफ हिज कॉलेज फीस एंड टू परचेज बुक्स एंड अग्री टू रीपे बाय 31st December 2023. अमित पोजेसेस असेट्स वर्थ 9 lakhs. अमित माइनर है बट उसके पास में असेट्स कितने हैं? ₹9,00,000 के. ऑन ड्यू डेट अमित फेल्स टू पे बैक द लोन टू भावेश. ओहो, भावेश नाउ वॉन्ट्स टू रिकवर द लोन फ्रॉम अमित आउट ऑफ हिज, दैट इज अमित's assets. Referring to the provisions of Indian Contract Act 1872 decide whether Bhavesh would succeed. Sir, sir, हमें पता है, ध्यान में, minor के साथ में कोई भी contract void है, valid नहीं है. But उसमें एक point था, एक exception था, जो कि क्या था? Necessities के लिए, अगर किसी ने कोई चीज necessities के लिए supply की है minor को, तो उस case में जो है वो person minor से claim कर सकता है for the amount of or value of necessities supplied. Only up to the value of estate of minor, उससे ज्यादा नहीं. तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, भावेश भैया जो है उन्होंने ये जो सप्लाई किया है कॉलेज फीस एंड परचेज ऑफ बुक्स. अब देखिए वहां पर हमने नेसेसिटीज पढ़ते टाइम पे ये पढ़ा था कि नेसेसिटीज डिपेंड्स ऑन टाइम टू टाइम, मतलब वो एज क्या है पर्सन की. अगर वो बच्चा है तो उसके लिए मे बी टॉयज और बेबी फूड माइट बी अ नेसेसिटी.
थोड़ा बड़ा हो गया कॉलेज में, एजुकेशन माइट बी अ नेसेसिटी, राइट? तो यहां पर कॉलेज फीस एंड बुक्स जो है उसकी नेसेसिटी में काउंट हो जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली मिस्टर भावेश कैन मतलब एस्टेट में से जो है उसके रिकवर वो अमाउंट कर सकते हैं. आंसर आंसर आंसर. किधर गया रे भाई, किधर गया? थर्ड 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 थर्ड. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ अ पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एनी वन होम इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विथ नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन ऑफ लाइफ. इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्सन जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, जैसे कि माइनर, और एनी वन होम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको वो माइनर लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के लिए, उन दोनों में से किसी को अगर नेसेसिटीज सप्लाई की जाती है बाय अनदर पर्सन, देन द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन. इन द इंस्टेंट केस, सिंस लोन गिवन टू अमित इज फॉर द नेसेसिटीज सूटेड टू द कंडीशंस इन लाइफ ऑफ माइनर, His assets can be sued to reimburse Bhavesh. Obviously, जो education fees है, books है, वो उसके condition in life, उसकी जो life में उस condition में उसमें वो necessity है, and hence Bhavesh can sue minor or his assets basically to recover the amount of necessities that he supplied. Okay, cool. कोई दिक्कत? चलिए next question पे. Beg your pardon, थोड़ी खांसी है मुझे. क्वेश्चन नंबर 4. मिस्टर श्याम एज 58 ईयर्स वॉज एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट थे मिस्टर श्याम. ही वॉज गोइंग टू रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स. मिस्टर देव मेड अ प्रपोजल टू मिस्टर श्याम टू अप्लाई फॉर वॉलेंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम हिज पोस्ट सो दैट मिस्टर देव कैन बी अपॉइंटेड इन हिज प्लेस. अच्छा, मिस्टर श्याम जो है उनको मिस्टर देव ने क्या बोला, भैया तुम क्या करो वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दो, सो दैट एक मिनट, किसने बोला ऐसा? मिस्टर देव मेड अ प्रपोजल टू मिस्टर श्याम फॉर वॉलेंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम हिज पोस्ट सो दैट मिस्टर देव कैन बी अपॉइंटेड इन हिज प्लेस. भाई तुम रिजाइन कर दो अभी, वॉलेंटरीली ये कर दो, रिटायरमेंट ले लो, सो दैट आई कैन बी अपॉइंटेड एट दैट. मिस्टर श्याम can be appointed at his place. Now, Mr. Dev offered a sum of rupees 10 lakhs as consideration to Mr. Shyam to induce him to retire. Mr. Shyam refused at first instance, but when he evaluated the amount offered as consideration is just double of his cumulative remuneration to be received during the tenure of 2 years of employment, he agreed to receive the consideration and accepted the above agreement to receive money to retire from office. Whether the above agreement is valid. मिस्टर श्याम जो है वो क्या थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, पब्लिक जहां पर इंटरेस्टेड है ऐसे ऑफिस में, ऑब्वियसली वो क्या थे, एम्प्लॉय थे. एंड वहां पर क्या हुआ, मिस्टर देव उनके पास में आए, बोले आप अभी रिटायर कर दो, मैं आपको क्या है 10 लाख रुपए देता हूं, आप रिटायर कर जाओ सो दैट मेरी अपॉइंटमेंट वहां पर हो सके. मिस्टर श्याम ने जो है पहले तो सोचा अरे नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बाद में सोचा अरे यार 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, जितना मैं कमाऊंगा उससे भी, सो ऐसा करता हूं मैं अभी रिटायरमेंट ले लेता हूं. बताइए ये वैलिड है या नहीं. हमने एक चीज पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कौन सी चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी एक यूनिट 3 में अदर एसेंशियल एलिमेंट्स में, बरोबर. कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, और दूसरा एक लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट. उसी में एक पॉइंट था अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. सम ट्रांजेक्शंस, कुछ एग्जाम्पल्स हमको दिए हुए थे जो कि कंसिडर होते थे क्या, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बरोबर. उसमें एक ट्रांजेक्शन था कि, और एक एग्जाम्पल था, आपको बताऊं मैं तो, एसेंशियल एलिमेंट्स किधर गए भैया, एसेंशियल एलिमेंट्स, चलें एसेंशियल एलिमेंट्स केस में.
ये तो अपन परफॉर्मेंस पर आ गए, एसेंशियल एलिमेंट्स। ये वाला ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स, बरोबर, ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक टाइटल्स, ऑफिसेस एंड टाइटल्स। क्या बोलता था, अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को पैसे देकर जबरदस्ती कोई पब्लिक ऑफिस में, जहां पर ऐसे ऑफिस में जहां पर पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड और पब्लिक बेसिकली इंटरेस्टेड है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेस, वहां पर किसी भी पर्सन की पैसे देकर अपॉइंटमेंट कराता है या कोई टाइटल ऑब्टेन करता है, तो वो गलत है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, वैलिड नहीं है, बरोबर। एंड हेंस दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी नॉट वैलिड, अबव एग्रीमेंट बेसिकली वुड नॉट बी वैलिड। सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, प्रोवाइड्स द लीगलिटी ऑफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। सेक्शन 23 ऑफ द सेड एक्ट ऑल्सो स्टेट्स दैट एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। The given problem talks about entering into an agreement for sale of public office which is opposed to public policy. Public policy requires that there should be no money consideration for the appointment to an office in which the public is interested. Obviously, government office hai, toh public is definitely interested. Such consideration paid being opposed to public policy is unlawful. In the given case, Mr. Shyam, who was going to be retired after 2 years, was proposed by Mr. Dev to apply for voluntary retirement from his post in order that he can be appointed in his place. In lieu of that, ये पूरा जो आपका facts का paragraph हो गया, ये आपकी provisions हो गई, okay? 10 lakh consideration, Mr. Shyam refused initially but accepted later on. Hence, आपका final analysis and conclusion क्या बनेगा? Hence, Mr. Shyam's promise to sail for money and employment in the public services is the consideration for Mr. Dev's promise to pay 10 lakh. Mr. Shyam ne kya kiya? Apna wo matlab trafficking jo hai apne public jo apni employment hai uski trafficking usko becha 10 lakh rupay ke against mein. Therefore, the terms of the above provisions of the Indian Contract Act said the agreement is not valid. The said agreement is not valid. It is void. As the consideration being opposed to public policy is unlawful. Concept तो अच्छे से धीरे से फटाक से मतलब ध्यान में आ जाता है, बट उसको exactly लिखना कैसा है ये अपने को नहीं क्या बार 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 मल्टीपल क्वेश्चन वगैरह देख के ही समझ में आता है, ठीक है। इसीलिए सारे क्वेश्चन आंसर भी मतलब कॉन्सेप्ट सिर्फ रिवाइज कर लिया वो उतना काफी नहीं है, आपको हर एक आंसर देखना पड़ेगा। और प्लस 10 क्वेश्चन देख रहे हैं तो अभी इस टाइम पर मतलब अगर अपन सितंबर का अटेम्प्ट है तो पूरे 10 के 10 क्वेश्चन लिख के नहीं, बट एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन आपने लिख के भी देखना है डेफिनेटली, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, What will be the rights with the promisor in the following cases under the Indian Contract Act 1872? Explain with reasons. In contracts में जो है promisor के पास में क्या rights रहेंगे? Sunil promised to bring back Jatin to life again. ये कौन सा contract है? Impossible, impossibility वाला contract है, void है, बरोबर। Promisor के पास में कोई भी इसमें right नहीं रहेंगे, कोई भी राइट ऑब्वियसली नहीं रहेंगे, किसी को लाइफ में वापस लाना इट्स काइंड ऑफ क्या मतलब इम्पॉसिबल थिंग, राइट। एंड हेंस अवॉइड एग्रीमेंट, नो राइट्स टू एनी पर्सन। नेक्स्ट, अमन अग्रीड टू सेल 50 केजीस ऑफ एप्पल टू रमन, द लोडेड ट्रक लेफ्ट फॉर डिलीवरी ऑन 15 मार्च बट ड्यू टू द राइट्स इन बिटवीन रीच्ड रमन ऑन 19 मार्च ड्यू टू विच द एप्पल्स वेयर रॉटन, ठीक है। अमन ने जो है 50 किलो एप्पल रमन को भेजने का नक्की किया, वो लेकर निकला भी 15 मार्च को एप्पल का ट्रक, बट बीच में क्या हो गया, दंगे हो गए, रायट्स हो गए, बरोबर। इसीलिए वो एप्पल जो है 19th को ही पहुंचा और ऑब्वियसली 4-5 दिन में एप्पल खराब हो गए। अब यहां पर गलती किसी की नहीं है, बरोबर। यहां पर जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब तो एकदम परफेक्टली वैलिड था, बरोबर, बट बाद में कुछ कारणों से जो सब्जेक्ट मैटर था ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट का एप्पल्स, वो ही डिस्ट्रॉय हो गए, वो ही खत्म हो गए, बरोबर। सो अगेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड एंड नो राइट टू एनी पर्सन,
देर आर नो राइट सिंस कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, तो किसी को भी कोई भी राइट वहां पर नहीं मिलेगा. ओके, नेक्स्ट. An artist performed to paint on the fixed date for a fixed amount of remuneration but met with an accident and lost his both hands. बुरा हुआ. एक आर्टिस्ट जो है उसने पेंट करने को फिक्स किया था कि भाई इस डेट को आकर मैं पेंट करूंगा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन के लिए, बट दुर्भाग्यवश उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया एंड लॉस्ट हिज बोथ हैंड्स. अब इस केस में क्या हो गया, जब कॉन्ट्रैक्ट बना अगेन इट वॉज वैलिड, बट बाद में क्या हो गया, इट बिकेम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. बाद में कुछ ऐसा सर्कमस्टांस हो गया क्योंकि पर्सनल कंसिडरेशन, पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए अब वो परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया. देर इज सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी नाउ. ओके, एंड हेंस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. बरोबर. एंड अगेन नो राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन. अभिषेक एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना, बट ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द रिलेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज द इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना वेयर बैंड. ओके, चाइना वाले, ठीक है, घासपूस नहीं, ठीक है, दूसरा कुछ खाने वाले. ओके, उन लोगों ने क्या किया, उनके साथ में अभिषेक ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था टॉयज इंपोर्ट करने का. ओके, बट बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया. ओके, कुछ रिलेशन खराब हो गए एंड इम्पोर्ट चाइना से बैन हो गए. सेम केस पहले जो है वो वैलिड था, बट बाद में कुछ कंडीशन के वजह से, कुछ चेंज इन लॉ या चेंज इन सिचुएशन की वजह से देर इज सुपरवीनिंग और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी विच मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. ओके, अगेन देर इज नो राइट टू एनी पर्सन अवेलेबल व्हाटसो एवर. ओके, चारों भी केस में किसी पर्सन के पास में कोई भी राइट अवेलेबल नहीं रहेगा. पहले इसमें इट्स वॉइड इम्पॉसिबिलिटी, सेकेंड इसमें कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर रिजल्टिंग इन इम्पॉसिबिलिटी थर्ड केस में, एंड अगेन फोर्थ इसमें डिस्चार्ज विदाउट परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. सीमा जी वॉज रनिंग अ ब्यूटीक इन न्यू दिल्ली. She has to deliver some clothes to her friend Kiran who is putting up an exhibition in Mumbai. Seema delivered the sewing machine and same cloth to a railway company to be delivered at a place where exhibition was to be held. Seema expected to earn exceptional profit from the sales made at the exhibition. However, she did not bring this fact to the notice of the railway authorities. The goods were delivered to a place after the conclusion of exhibition. On account of such breach of contract by railway authorities, can Seema recover the loss of profits under Indian Contract Act 1872? Seema ji ko jo hai, unka boutique tha New Delhi mein, unko apni friend Kiran ko Mumbai mein kuch goods jo hai deliver karne the exhibition ke liye. Us exhibition mein participation se Seema ji ka kya tha? Seema ji ko exceptional profit kamane ki मतलब एक्सपेक्टेशन थी. ठीक है, एंड उनको ऐसा था कि ये गुड जो है एग्जीबिशन के पहले डिलीवर हो जाएंगे, आई विल अर्न द एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस केस. सीमा जी ने किरण को जो है ये भेजना था रेल से. बरोबर. अब यहां पर जो है रेलवेज ने क्या किया, वो रेलवेज वाले डिलीवर नहीं कर पाए विद इन टाइम, एंड हेंस सीमा जी ने क्या किया, On account of such breach of contract by the railway authorities, can Seema recover the loss of profits? Okay. Seema ji ne bola ki bhai breach of contract hua hai aur tum meko ab loss of profits ke liye paise doge. Is case mein railway authorities bound hai kya Seema ji ko exceptional profits bhi wapas return karne ke liye? Concept kaun sa aata hai isme? Ordinary or स्पेशल डैमेजेस का. ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस का. ठीक है, देखिए जब भी ब्रीच के वजह से नहीं क्या, अगर कोई पार्टी को मतलब इंजुरी या लॉस होता है, ऑब्वियसली क्या पढ़ा था हमने, अगर किसी पार्टी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इंजुरी या लॉस होता है तो वो उस केस में क्या है, ऑर्डिनरी डैमेजेस जो है वो सामने वाले पार्टी से क्लेम कर सकते हैं. बरोबर.
बट स्पेशल डैमेजेस नहीं किया, सिर्फ कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही जो है क्लेम किए जा सकते हैं, बरोबर। स्पेशल डैमेजेस जो है वो ओनली एंड ओनली रिकवरेबल ओनली इन सर्टन स्पेसिफिकल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। और ये भी कब रिकवर किए जा सकते हैं, जब ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस आर कम्युनिकेटेड, आर कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी, ओनली एंड ओनली इन दैट केस जो है वहां पर, मतलब ऐसा बोलना जरूरी था सीमा जी का कि भाई टाइम बहुत एसेंस का है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, मैं स्पेशल प्रॉफिट इसमें से एक्सेप्शनल प्रॉफिट कमाना चाहती हूं एंड इसीलिए ये स्पेशल डिलीवरी रहेगी। अगर वो उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया है तो उस केस में सीमा जी का कोई हक नहीं बनता कि वो स्पेशल डैमेजेस एक्सेप्शनल प्रॉफिट के लिए क्लेम करे। ओके, हाउएवर ही मे क्लेम द ऑर्डिनरी डैमेजेस जो है क्लेम कर सकती है। आंसर पढ़ लेते हैं क्विकली एक बार। एज पर सेक्शन 73-75, डैमेज मींस अ सम ऑफ मनी क्लेम्ड और अवॉर्डेड इन कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ एन लॉस और एन इंजरी। वेर अ पार्टी कमिट्स अ ब्रीच, अ ग्रीव पार्टी कैन क्लेम कंपेंसेशन फॉर लॉस सो सफर्ड बाय हिम। जनरल डैमेजेस आर दोज विच अराइज नेचुरली इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ब्रीच इटसेल्फ। ब्रीच से नॉर्मली जो अराइज होते हैं दोज आर जनरली नॉर्मल usual damages or ordinary damages. Therefore, when a breach is committed by a party, the defendant shall be held liable for all such losses that naturally arise in usual course of business. Such damages are called ordinary damages. However, special damages arise in unusual circumstances affecting the aggrieved party and such damages are recoverable only when special circumstances were brought to the knowledge of defendant. सामने वाले पार्टी को बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। इफ नो स्पेशल नोटिस इज गिवन देन अग्री पार्टी कैन ओनली क्लेम ऑर्डिनरी डैमेजेस। इन द गिवन केस सीमा वॉज टू अन एक्सेप्शनल प्रॉफिट आउट ऑफ द सेल सिंस द गुड्स वर डिलीवर्ड आफ्टर द कंक्लूजन, देयरफॉर सीमा कैन रिकवर ओनली द लॉसेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स। Since no notice about special circumstances was given to railway authorities, she could not recover the loss of exceptional profits. Okay. Next question. question number 7. Explain any 5 circumstances under which contracts need not be performed with the consent of both the parties. कौन से यूनिट में पढ़ा था हमने? यूनिट 4 परफॉर्मेंस में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस दिए हुए थे वहां पर, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म इफ देयर इज अ कंसेंट और म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज रिगार्डिंग द सेम। ठीक है, कौन से देखो, एक नोवेशन था, अल्टरेशन था, और निग्लेक्ट था, और रेमिशन, रेसिशन, राइट, ऑल दीज वेर देयर। नोवेशन मतलब क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करके उसकी जगह दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट कर ले दी पार्टी, तो ऑब्वियसली पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज एंड कॉन्सिक्वेंटली इट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। वेर अ कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड। रेसिशन क्या था, कैंसिलेशन, व्हेन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट अग्री टू रिसाइन और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट देन इट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। देन अल्टरेशन, कुछ तो भी जो टर्म्स में है चेंजेस अगर कर दिए तो ऑब्वियसली पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी और शुड नॉट बी नीड नॉट बी परफॉर्म। देन रेमिशन, एवरी प्रोमिसी, जो भी प्रोमिसी है, रेमिशन कौन कर सकता है, प्रोमिसी, एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ और रेमिट होली और इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस मेड टू हिम। प्रोमिसी बोल सकता है ठीक है भाई कॉन्ट्रैक्ट मत कर, या फिर कुछ समय बात करना, या अभी जो टाइम दिया था उसके बाद में किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, अगर ऐसा प्रॉमिस ही ने किया है तो अगेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म। इन अदर वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय रेमिशन। रिसाइन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी काइंड ऑफ रेसिशन ही है, उसका जस्ट एक सब टाइप वी कैन से ऐसा उन्होंने बना के दिया है,
when a person at whose option a contract is voidable resigns it, the other party thereto need not perform any promise therein contained in which he is the promisor. Rescission हो रहा है, एक rescission हो गया normal case में, ठीक है, cancellation दोनों ने mutually कर लिया. दूसरा case of देखो rescission में दो केस, एक तो म्यूचुअली, दूसरा व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. ओके, अगर जब ये वॉइडेबल था जिस पार्टी के ऑप्शन पे, उसने बोला ठीक है वॉइडेबल ऑप्शन है मेरे पास कि परफॉर्म करना है या नहीं करना है, अगर उसने बोला चूज किया कि नहीं परफॉर्म करना है, तो ऑब्वियसली बोथ द पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड, द कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म. And lastly, neglect of promisee. If any promisee neglects or refuses to afford the promisor reasonable facilities for performance, अगर जो promisee है उसने जो reasonable facilities देनी चाहिए थे promisor को वही नहीं दी, तो it is discharged by neglect of promisee. Suraj. Suraj guarantees Vikas for the transaction to be done between Vikas and Nikhil during the month of March. एक थे भैया सूरज, इन्होंने क्या किया, गारंटी की किसको, विकास को, फॉर ट्रांजैक्शन टू बी डन बिटवीन विकास एंड निखिल. ओके, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2023 विकास सप्लाइड गुड्स ऑफ 30,000 ऑन 1st मार्च 2023 and of 20,000 on 3/3/23. देखो, मिस्टर सूरज, मिस्टर विकास एंड मिस्टर निखिल. ओके, सूरज ने विकास को गारंटी दी कब, मार्च में. ओके, फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन विकास एंड निखिल. ओके, कि भाई अगर निखिल ने परफॉर्म नहीं किया, निखिल ने तेको पैसे नहीं दिया, तो मैं तेको जो है पैसे दूंगा. ओके, अभी विकास सप्लाइड गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 ऑन 1 मार्च. विकास ने जो है 1 मार्च को निखिल को कितना 20K के गुड्स, 20,000 के गुड्स सप्लाई किए, सॉरी 30,000 के गुड्स. ओके, एंड ऑफ 20,000 ऑन 3/3 on 3rd of March 23, 20K के further goods supply किए. On 5/3, सूरज died in road accident. ओहो, उसके बाद में 5 मार्च को दुर्भाग्यवश क्या हो गया, सूरज भैया की जो है एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई. ओके, On 10/3, being ignorant of the death of सूरज, विकास further supplied goods of rupees 40,000. इसके बाद में 10 तारीख को जो है विकास ने निखिल को और फर्दर 40,000 के गुड्स सप्लाई कर दिए. ऑन डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय निखिल ऑन ड्यू डेट, विकास सूड लीगल हायर्स ऑफ सूरज. अब क्या हुआ, निखिल भैया बदमाश निकले, उन्होंने पैसे दिए नहीं. विकास भैया बोले अरे ये तो मेरे को सूरज भैया ने गारंटी किया था, बरोबर, सूरज ने गारंटी किया था, चलो सूरज के पास में, बट सूरज तो उनकी तो डेथ हो गई. तो वो क्या बोले, इनके जो लीगल हायर्स है वो अब रिस्पॉन्सिबल है मेरे को पैसा देने के लिए, क्योंकि सूरज ने वो गारंटी किया था फॉर रिकवरी ऑफ होल 90,000, 30+20+40. डिस्क्राइब द वेदर द लीगल हायर्स ऑफ सूरज आर लायबल टू पे 90,000 अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. बताइए इस केस में जो है वो लायबल रहेंगे क्या उसके कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब उसके बेसिकली ट्रांजैक्शंस के पैसे देने के लिए सूरज भैया के लीगल हायर्स. देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में नहीं, क्या हमने पढ़ा था, किधर गया भैया, किधर गया, किधर गया,
Revocation of continuing guarantee by sureties, death. In the absence of any contract to the contrary, death of surety operates as a revocation of continuing guarantee as to the future transaction taking place after the death of surety. However, the surety's estate remain liable for the past transactions which have already taken place before the death of surety. 131 section क्या बोलता है कि भैया जो death के बाद में transaction हुए ना उसके लिए सूरज responsible है ही नहीं, वहां पर जो है guarantee जो है revoke हो गई थी, उसके पहले के transactions के लिए ही सिर्फ और सिर्फ वो guarantee valid है और मैं जो विकास जी जो है वो सूरज से या सूरज के legal हायर से क्लेम कर सकते हैं। बट कौन से अमाउंट तक क्लेम कर सकते हैं? सिर्फ जितना सूरज की एस्टेट है, जितने उसके एसेट्स थे उतने अमाउंट के लिए वो क्लेम कर सकते हैं। अभी अभी वुड योर आंसर, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द एस्टेट ऑफ सूरज इज वर्थ ₹45,000 ओनली? पहली चीज तो पहला जो उन्होंने पार्ट पूछा है, डिस्क्राइब वेदर लीगल हायर्स ऑफ सूरज आर लायबल टू पे 90,000 अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहली बात तो 90,000 वो पे करने के लिए लायबल है ही नहीं। वो लायबल कितने के लिए है? सिर्फ और सिर्फ डेथ के पहले जो ट्रांजैक्शन हुए, मतलब 30 + 20,000 इज इक्वल टू 50,000 के लिए। दूसरी चीज, 50,000 भी किस हद तक? जितना अगर सूरज की एस्टेट जो है उतने अमाउंट तक। सूरज की एस्टेट अगर 50,000 है तो ठीक है 50,000 के लिए। अगर उसकी एस्टेट 45,000 ही है, राइट, अगर 45,000 ही है तो ऑब्वियसली लीगल हायर सिर्फ 45,000 के लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, उससे ज्यादा अमाउंट के लिए नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 131, इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, Continuing guarantee is revoked by the death of the surety as to future transaction. Estate of deceased surety, however, liable for those transactions which had already taken place during the lifetime of deceased. Surety's estate will not be liable for transactions taken place after the death of surety, even if the creditor had no knowledge of surety's death. भले विकास को पता हो ना पता हो कि सूरज भैया की मृत्यु हो गई है, बट उनकी मृत्यु के बाद में जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसके लिए obviously सूरज is not और सूरज के legal hires is not responsible. In the question, सूरज was surety for the transaction to be done between विकास and निखिल during the month of March. विकास supplied, ये हो गए आपके facts पूरे. On the basis of above, it can be said that in case of death of सूरज, his legal hires are liable only for those transactions which are entered before 5/3. That is 50,000. They are not liable for transaction done on 10/3/23, even though Vikas had no knowledge of the death of Suraj. Agar in case uske asset jo hai wo 45,000 ke hi to, further if the worth of the estate of the deceased is only 45,000, the legal hires are liable for this amount only, that is 45,000 only. Abhi isme dekhiye bacche ne kya kya galti karte hain, ki karte karte padhte padhte nahi kya apan, sirf ye jo iska पूरा क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, बट पूरे क्वेश्चन में से लास्ट में जो हमने पढ़ा ना उसी का आंसर करते हैं, इतना ही क्वेश्चन हमें ध्यान में रहता है, बरोबर। बट एक्चुअली क्वेश्चन में दो पार्ट है, पहला डिस्क्राइब वेदर लीगल हायर्स आर लायबल टू पे 90,000, और दूसरा व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द एस्टेट इज लायबल, एस्टेट ऑफ सूरज इज वर्थ 45,000 ओनली। ओके, मेक श्योर कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो जो पार्ट पूछे गए हैं दोनों पार्ट आंसर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मिस्टर स्टीफन ओन्स अ चिकन फार्म नियर गुरुग्राम where he breeds them and sells eggs and live chicken to retail shops in Gurugram. Mr. Stephen ka ek farm tha, theek hai, wo kya karte the, breeds them wahan par, owns chicken farm, eggs and chicken, live chicken bechte the, okay.
Mr. Fleming also owns a similar farm near Gurugram, doing the same business. Mr. Fleming जो Fleming भी जो है same business वहाँ पर करते थे. Mr. Fleming had to go back to his native place in Australia for 1 year. Mr. Fleming को जो है Australia जाना था जहाँ से वो आए थे. पूरे कब कितने time के लिए? 1 साल के लिए. He needed money for travel, so he had pledged his farm to Mr. Stephen for 1 year and received a deposit of 25 lakhs and went away. At that point, the stock of live birds was 1 lakh. Live birds were 1 lakh and eggs were 10,000. The condition was that when Fleming returns, he will repay the deposit and take possession of his farm with live birds and eggs. मतलब Mr. Fleming ने उनका जो farm था, उनको बाहर जाना था, ठीक है? तो ये farm जो है ना इनका, वो यहाँ पर bailment में मिस्टर स्टीफन को दे दिया, ओके, एंड उनसे कितने डिपॉजिट एक ले लिया, कितना अमाउंट 25 लाख का. अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि जब ये वापस आएंगे ना तब मिस्टर स्टीफन जो है ये फार्म उनको दे देंगे एंड मिस्टर फ्लेमिंग वुड रिटर्न द डिपॉजिट ऑफ 25 लाख, ठीक है. जब इन्होंने ये फार्म दिया ना तो ये फार्म में क्या था, 1 लाख लाइव बर्ड्स, मतलब लाइव चिकन थे और बर्ड्स, और 10,000 एग्स थे, ठीक है. आफ्टर 1 ईयर फ्लेमिंग केम बैक एंड रिटर्न द डिपॉजिट. एट दैट टाइम देर वेर 1,09,000 लाइव बर्ड्स इंक्रीज ड्यू टू हैचिंग ऑफ एग्स आउट ऑफ 10,000 एग्स ही हैड लेफ्ट एंड 15,000 eggs. Mr. Stephen agreed to return 1 lakh live birds and 10,000 eggs only. State the duties of Mr. Stephen as pawnee and advise Mr. Fleming about his rights in the given case. Abhi jab ye ek saal baad Mr. Fleming wapas aaye na, to yahan par status kya tha? Yahan par status ye tha ki ye jo 1 lakh chicken the, ye badh karke ho gaye the 1,09,000. ओके, ये हो गए थे 1,09,000, और ये जो एग्स थे ना वो बढ़कर कर हो गए थे 15,000. बरोबर, ऑब्वियसली एनिमल्स है तो देयर हैज बीन मतलब हैचिंग ऑफ एग्स एंड उसके बाद में 1 लाख से एग्स चिकन बढ़कर हो गए 1,19,000, एग्स जो थे 10,000 वो छोड़ के गए थे वो हो गए 15,000. अब मिस्टर स्टीफन क्या बोले कि अरे भाई तूने मेरे को 1,10,000 ऐसे देके गया था ना, मैं देखो उतने ही वापस करूंगा, ये ऊपर का जो 9,000 लाइव बर्ड्स एंड 5,000 एग्स ये मैं वापस नहीं करूंगा. बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट सही है या नहीं, और क्या क्या ड्यूटीज है दोनों पर्सन की, एंड वेदर इट इज राइट. ओके, अभी ये जो बेलमेंट का है ना, इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी. क्या पढ़ी थी हमने? एक चीज ये पढ़ी थी इसमें कि भैया हमारे को जब भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें एक सेक्शन पढ़ा था हमने, सेक्शन 163. वो क्या बोलता था कि आपको जो चीज बेलमेंट में दी गई है उसमें अगर कोई एक्रीशन होता है, कोई इंक्रीज होता है, ठीक है, तो ये कुछ अक्रीशन जो इंक्रीज ये इसमें हुआ है ये भी आपको रिपे करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा. देखते हैं अपन 163. इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्ररी द बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर और अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन एनी इंक्रीज और प्रॉफिट विच मे हैव अक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड. जो गुड्स आपको बेलमेंट में मिले थे, जो आपके पास में बेल किए गए थे, उसमें अगर कोई प्रॉफिट होता है, कोई इंक्रीज होता है, कोई अक्रीशन होता है, तो उस केस में वो जो प्रॉफिट इंक्रीज या अक्रीशन है वो भी जो है आपको रिटर्न करना पड़ेगा. ओके, एंड ऑब्वियसली इस केस में जो मिस्टर स्टीफन है उनका बोलना गलत है. आंसर देखते हैं. According to section 163,
in the absence of any contract to the contrary, bailee is bound to deliver to the bailer or according to his direction any increase or profit which may have accrued from the goods bailed. In the given question, when Mr. Fleming returned from Australia, there were 1,09,000 live birds and 15,000 eggs. Mr. Stephen agreed to return 1 lakh and 10,000 only. In the lights of the provisions and laws of facts, following are the answers. Stephen bhaiya ki kya duty hai? Is bound to deliver Mr. Fleming, that is Pawner, an increase of profit. Jo 9,000 extra birds aur 5,000 extra eggs jo unko mile hai, wo bhi unko return karna padega to Mr. Fleming. And rights of Mr. Fleming kya hai? Entitled to recover from Pawnee any increase in the goods so pledged. Okay, Mr. Stephen जो है उनका obviously वो कौन थे? Pawnee, and this was called Pawner. Okay, जैसे nomenclature याद है ना, अपन ने पढ़ा था. Mr. Stephen जिसके पास में रखे गए थे goods, that was Pawnee, and Mr. Fleming जिन्होंने रखे थे, it is called Pawner. Okay, उनको return वो करना पड़ेगा. Sale of Goods Act 1930. ठीक है, चलो भैया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हुआ. सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? ए बी क्लोथ हाउस, अ फर्म डीलिंग विद द होलसेल एंड रिटेल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, कस्टमाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स. दे डेल्ट विद सिल्क, ऑर्गेंडी, कॉटन, खादी, शिफॉन एंड मेनी अदर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स. ठीक है. मिसेस रीमा, अ कस्टमर, केम टू द शॉप एंड आस्क फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लोथ सूटेबल फॉर मेकिंग अ सूट फॉर हर डॉटर्स बर्थडे. ओके, she specifically mentioned that she required cotton silk cloth which is best suited for the purpose. The shop owner agreed and arranged the cloth pieces cut into as per the buyer's requirement. When Reema went to the tailor to get the suit stitched, she found that seller had supplied her cotton organdi material. Cloth was not suitable for the said purpose. It was heavily starched and not suitable for making the suit that Reema desired for. The tailor asked Reema to return the cotton organdi cloth as it would not meet his requirement. Shop owner refused to return the cloth on the plea that it has to cut specific requirements of Mrs. Seema and hence could not be resold. With reference to doctrine of caveat emptor, explain the duty of buyer as well as the seller. Also explain whether Ms. Reema would be able to get back the money or the right kind of cloth as per the requirement. Abhi मिसेस रीमा ने क्या किया, एबी क्लोथिंग सेंटर से जो है एक क्लॉथ खरीदा. उन्होंने क्लॉथ सोच देखे पूरे, अपने हिसाब से पसंद किए एंड उसको अपने हिसाब से कटवा के टेलर के पास में लेके गई. टेलर ने बोला, अरे ये तो क्लॉथ जो है वो खराब है, जो है फिट फॉर यूज नहीं है, जैसा क्वालिटी का होना चाहिए वैसा नहीं है. मिसेस रीमा वापस गई उनके पास में, एबी क्लोथिंग वालों के पास में, एंड उनको बोला कि अरे भाई ये तो कपड़ा खराब है, मुझे अभी पैसे वापस दो या फिर दूसरा क्लॉथ दो. ठीक है, शॉप ओनर बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आपके हिसाब से आपके सामने हमने जो है कपड़ा काटा था, कैवियट एम्प्टर के हिसाब से यू आर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, आपने ध्यान देना चाहिए था, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है. बट यहां पर मिसेस रीमा उनको बोल सकती है, अरे बावले कैवियट एम्प्टर तो है. कैवियट एम्प्टर क्या बोलता है, लेट द बायर बीवेयर. बायर की जो है वो ड्यूटी है कि खरीदते टाइम पे अगर उसके सामने मतलब सब गुड्स है, वो देख के खरीद के परख सकता है, तो उसने अच्छे से गुड्स को देखना चाहिए था, परखना चाहिए था. बट देयर आर सर्टन किधर गए एक्सेप्शंस ऑफ कैवियट एम्प्टर. बरोबर, जहां पर फॉलोइंग एक्सेप्शन टू द कैवियट एम्प्टर, जहां पर जो है ये सेलर की जो है ड्यूटी ऑलरेडी उसमें समझी जाती है. कौन सी है वो? फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, मर्केंटेबल क्वालिटी, सैंपल बाय डिस्क्रिप्शन. इन सब केसेस में जो है कैवियट एम्प्टर वाला डायरेक्टली अप्लाई रूल नहीं होता. ओके,
और यहां पर क्योंकि वो क्लोथ जो है वो फिट नहीं था फॉर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बरोबर नहीं थी, इट वॉज नॉट फिट फॉर यूज, उस केस में जो है मिसेस रीमा जो है वो वापस क्लेम कर सकती है. ओके, कैवेट एम्प्टर पहले पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया. व्हाट इज कैवेट एम्प्टर? लेट द बायर बीवेयर व्हेन सेलर डिस्प्लेस देयर गुड्स इन ओपन मार्केट. इट इज फॉर द बायर टू मेक अ प्रॉपर सिलेक्शन और चॉइस ऑफ हिज गुड्स. If the goods turn out to be defective, he cannot hold the seller liable. But there are certain exceptions, as we discussed. Based on the above provisions and facts given in the question, it can be concluded that Mrs. Reema is entitled to get the money back or the right kind of cloth as required to serve her purpose. It is the duty of seller to supply such goods as are reasonably fit for the purpose mentioned by the buyer. Okay, Sale of Goods Act. चलिए यहां पर quickly अभी एक pause लेते हैं, continue करते हैं आगे के questions next part में.